सूजी उपमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही यमी एंड डिलीशियस डिश है। तो चलिए हम बनाते हैं वेज सूजी उपमा। वेज उपमा बनाने के लिए हमें लगेगा 200 ग्राम सूजी लिया है मैंने, हाफ टेबल स्पून गाजर काट लिया है मैंने, दो मिर्ची काट ली है बारीक, 1 टेबल स्पून फल्ली दाना, करी लीव्स लगेगा हमें, हाफ कप गोभी लगेगा हमें, आधी कटोरी मटर, 1 टेबल स्पून टमाटर काट लिया है मैंने, चॉप कर लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ड्राई मसाले में हमें लगेगा 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून सरसों के दाने, 1 टीस्पून जीरा और 1 मिर्च ले लिया है मैंने, लाल मिर्च, आधा नींबू का जूस लगेगा हमें और कुकिंग के लिए हमें लगेगा ऑयल। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, सूजी डालूंगी इसमें। अब इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम में भून लेना है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा सूजी भुन चुका है, अब मैं इसे अलग रख देती हूँ। अब हमें गैस ऑन करना है। हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी मैं, तेल गरम हो जाएगा तब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, जीरा, दाल, मिर्ची, सरसों। इसे 30 सेकेंड्स के लिए पका लेना है। अब हमारे मसाले पक चुके हैं, अब मैं इसमें फली डालूंगी, पीनट, इसे भी भून लेना है 30 सेकेंड्स के लिए। अब हमारा फली पक चुका है, अब मैं इसमें मिर्ची ऐड करूंगी, गाजर ऐड करना है, फूल गोभी ऐड करना है और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, हमारी वेजिटेबल्स पक गई है। अब मैं इसमें मटर ऐड करूंगी, अब मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी जो हमने भून लिया था। अब इसे पका लेना है 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स हो गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेना है हमें। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 200 ग्राम सूजी में मैंने 500 ml पानी डाला है। अब हमें इसमें नींबू का जूस डालना है, लेमन जूस, सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, स्लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक पका लेना है बीच में इसे चलाते हुए। तो 3 से 4 मिनट हमने पका लिया है, हमारा उपमा बनकर तैयार है।
अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा वेज उपमा बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा।